स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 बाय कॉस 72, टेन 26 बाय कॉट 64, कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इस तरह के वैल्यू आपको निकालने हैं। और क्वेश्चन वन को ही मैं लेके चला ताकि आपको यहाँ पर पूरा फंडामेंटल जो आपका इसमें जरूरी है उसको मैं बता दूं। ये देखिए कुछ फॉर्मूला हमने लिखे हुए हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री उतना तक का वैल्यू आपको स्पेसिफाइड था, उसका वैल्यू आपको मालूम था, आप याद कर लिए थे, उसमें वैल्यू पुट करते थे वैल्यू निकल जाता था। लेकिन 18 डिग्री, 72 डिग्री, 26 डिग्री, 64 डिग्री ऐसे चार्ट आपने नहीं पढ़ा है। उस स्थिति में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो इस प्रकार है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों आप देख लेंगे। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। अब ये बात रही यहां पे तो किस तरह से इसके यूज करेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो फर्स्ट जो है ये आप देख रहे हैं साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आप यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो निश्चित रूप से एक चीज पाएंगे कि ये 18 और ये 72, ये दोनों को आप यदि ऐड करेंगे तो 90 आएगा। आप इस चीज को देखेंगे तो देखिए 18 और 72 को करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई जो है 90 में से माइनस करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपली देखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन आप लिखेंगे, मान लिया आपको कोई एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है, इस चीज को आप जान लेंगे। तो चलिए हम लोग यदि इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो साइन 18 है, 18 का वैल्यू यदि आप देखेंगे तो 90 में से आप कितना माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। तो 90 में से यदि आप 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस 72 दैट इज 18, यानी साइन ये जो 18 था इसको हम लोग 90 माइनस 72 लिखेंगे। नीचे में कितना है आपका, ये है आपका कॉस 72। अब देख रहे हैं ये, अब ये 90 माइनस 72, ये 90 माइनस थीटा, यहां पर यदि साइन 90 माइनस थीटा तो इसको कॉस थीटा लिखेंगे, यानी ये जो रहेगा इसको हम लोग यदि साइन को यदि चेंज करेंगे तो साइन के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस, और ये 90 नहीं रहेगा, अब ये थीटा सिर्फ रहेगा, दैट इज कॉस 72 बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ऑलरेडी क्या था आपका कॉस 72। इस चीज को थोड़ा एक बार फिर से आप देखेंगे ये जो 18 था, 18 को हमने सिंपली क्या किया, 18 को 90 माइनस के टर्म में लिखा, तो 18 को मतलब होता है 90 में से यदि आप 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, यानी 18 को 90 माइनस 72 लिखेंगे। यहाँ साइन था, यहाँ साइन था हमारा, ये साइन जो है साइन, तब 90 माइनस 72। अब यदि इसको साइन 90 माइनस थीटा हम लोग यदि बात करें, ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो इस 90 को हटा करके बात करेंगे तो इस साइन के जगह क्या होगा, ये कॉस हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे साइन हम ये 90 छोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90, यहाँ पे जो है ये आपका हो गया कॉस, और ये थीटा मतलब 72, यानी कॉस 72 बाई, और नीचे में कॉस 72। अब ये सेम चीज है एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया आपका 1। आप यदि इस तरह से बनाना चाहते तो भी हो सकता था। ये देखिए ये आपका साइन 18 है, नीचे आपके पास था कॉस 72, आपको कुछ नहीं, ये साइन 18 है, आप इसको नहीं चेंज करते, साइन 18 रहता। अब ये जो कॉस है आपको इसको क्या करना था, अब ये 72 है तो 72, अब 90 में से आप कितना माइनस करेंगे तो आपको 72 बचेगा। तो 90 में से यदि 18 आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 72, यानी 72 को 90 माइनस 18 लिखा जा सकता है। तो ये आपका 90 माइनस 18 हो सकता था, इज इक्वल टू ऊपर में आपका क्या बच गया, साइन 18। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये यदि कॉस 90, ये थीटा को यदि आप छोड़ दे रहे हैं तो कॉस 90 आप क्या लिख रहे हैं, साइन लिख रहे हैं, और ये थीटा हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये कॉस 90 के बदले आप क्या लिखेंगे, इसको ये साइन होगा, ये थीटा हो जाएगा, दैट इज साइन, ये थीटा मतलब 18। अब साइन 18 बाई साइन 18, ये भी मिलकर कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। तो किसी को भी आप चेंज करेंगे तो आंसर ऐसे ही आएगा। इसी तरह सिंपली आप जितने ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलते हैं, 2 आप बना लेंगे मेरे ख्याल से। तो 3 यदि बात करें तो ये आपको है कॉस 48 माइनस साइन 42, इसको कोई एक को आप चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। तो यदि ये 48 को चेंज करना होगा तो ये कॉस रहेगा, अब ये 90
में से यदि आप 48 को माइनस कर रहे हैं तो भी वही चीज हो गया, 48 मतलब ये 2 एंड 42, यानी 90 में से यदि आप 42 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, तो 90 माइनस 42। ये निकालने के कारण हमने इसको डायरेक्ट यहां माइनस किया था ताकि पता चले कि कितना माइनस करना है कि 48 आएगा, तो 90 माइनस 42 लिखेंगे, दैट इज ये हो गया, और ये बच गया आपको साइन 42। आप यहां पे देख रहे हैं, दैट इज आप देखेंगे कॉस 90, यहां पर सिंपल समझ लीजिए कॉस 90 इसको आप साइन लिख दीजिए, साइन 42, ये हो गया आपका साइन 42 माइनस ये कितना हो गया साइन 42, ये हो गया साइन 42। सेम चीज है x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0 आंसर हो गया। आप इसको यदि ऐसे नहीं करते, आप यदि इसको चेंज करते तो भी हो सकता था, ये जैसे आपका cos 48 है ये cos 48 रहता माइनस ये जो है साइन आपका 42 है, आप इसको करते cos 48 माइनस ये जो साइन है आप इसको साइन 90 में से आप कितना 48 यदि माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, तो 42 के बदले 90 माइनस 48, और ये हो गया आपका cos 48 माइनस ये साइन 90। यहां तक आप क्या करें, इसको साइन 90 सीधे cos हो गया, साइन 90 cos ये थीटा हो जाएगा, तो ये cos थीटा की जगह कितना होगा 48। आप देख रहे हैं cos 48 दैट इज x माइनस x दैट इज 0 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से समझ गए हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।